अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलने के। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं नाम है कंकन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञान जोन। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है स्पोर्ट्स सीरीज का वीडियो नंबर 22। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो अपडेट निकल के आता है वो है उड़ीसा एफसी की तरफ से। सो गाइस, उड़ीसा एफसी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 33 इयर्स के गोलकीपर जेल्सको ब्रेकिक के ऊपर। सो गाइस, एक सर्बियन गोलकीपर है और इनका करंट क्लब है सर्बिया नेशनल फुटबॉल क्लब। सो गाइस, उसके बाद जो अपडेट है वो है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से 3 अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। उनमें से जो पहला अपडेट है वो ये है कि केरला ब्लास्टर एफसी ने बेंगलुरु एफसी के करेंट डिफेंडर निशु कुमार के साथ लगभग अपना डील कंफर्म कर लिया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन 99% कंफर्म हो चुका है कि निशु कुमार हमें आगे जाके केरला ब्लास्टर एफसी के तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। सो गाइस, उसके बाद जो केरला ब्लास्टर एफसी के तरफ से अपडेट निकल के आता है वो ये है कि केरला ब्लास्टर एफसी दो नए प्लेयर्स के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनमें से जो पहला प्लेयर है वो है 27 इयर्स के मिडफील्डर जेकॉब पेपर। सो गाइस, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और इनका करेंट क्लब है मदुरा यूनाइटेड एफसी। सो गाइस, उसके बाद जो दूसरा प्लेयर है वो है 29 इयर्स के फॉरवर्ड प्लेयर रॉबिन सिंह। सो गाइस, एक इंडियन प्लेयर है और इनका करंट क्लब है रियल कश्मीर एफसी। सो गाइस, उसके बाद जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है हैदराबाद एफसी की तरफ से। सो गाइस, हैदराबाद एफसी की तरफ से एक बैड न्यूज और दो गुड न्यूज निकल के आ रहे हैं। उनमें से जो बैड न्यूज है वो ये है कि हैदराबाद एफसी ने उनके कुछ प्लेयर्स और स्टाफ के पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया है, जिसके चलते उन प्लेयर्स और स्टाफ ने AIFF को एक कंप्लेन लेटर भेजा था और AIFF ने हैदराबाद एफसी को 15 मई तक का टाइम दिया है उनके सारे पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए, जो करीब 5 करोड़ के आसपास है। सो गाइस, उसके बाद जो गुड न्यूज है हैदराबाद एफसी की तरफ से वो ये है कि हैदराबाद एफसी ने दो प्लेयर्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है। उनमें से जो पहला प्लेयर है वो है 20 इयर्स के अटैकिंग मिडफील्डर अभिषेक होल्डर। सो गाइस, ये इंडियन प्लेयर है और ये प्लेयर हमें 2022 तक हैदराबाद एफसी के तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्लेयर है वो है 21 इयर्स के डिफेंडर डिंपल फकत। सो गाइस, ये भी एक इंडियन प्लेयर है और ये भी हमें 2023 तक हैदराबाद एफसी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। सो गाइस, उसके बाद जो अपडेट निकल के आता है वो है एफसी गोवा के ऊपर। सो गाइस, एफसी गोवा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 23 इयर्स के डिफेंडर कॉन्स्टेंटिन कारिकी के ऊपर। सो गाइस, एक अल्बेनियन प्लेयर है और इनका करंट टीम है अपोलोन लेरिसा एफसी। सो गाइस, उसके बाद जो अपडेट निकल के आता है वो है एटीके मोहन बगान के ऊपर। सो गाइस, एटीके मोहन बगान अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 27 इयर्स के डिफेंडर कोनी फेस के ऊपर। सो गाइस, एक इंडियन प्लेयर है और इनका करंट क्लब है चर्चिल ब्रदर एफसी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पे टेक है स्पोर्ट्स या फिर गेमिंग से वीडियो लो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आज के लिए गुड बाय।